हेलो स्टूडेंट्स, क्लास सेकंड, सब्जेक्ट मैथमेटिक्स, चैप्टर नंबर फिफ्थ, मल्टीप्लिकेशन, एक्सरसाइज है 5.4। फर्स्ट क्वेश्चन है मल्टीप्लाई, क्या करना है आपको, मल्टीप्लाई करना है। ये सेम है जैसे अभी हमने इसके पहले किए थे। क्या करना है, सबसे पहले 2 का मल्टीप्लाई 8 में, 2 8 16, कैरी कितनी आ जाएगी 1। इसमें आपको क्या ध्यान रखना है, मेन चीज़ है इसमें आपको कैरी याद रखना है। अब 2 3 6, और देखो 1 कैरी थी, 6 में 1 ऐड कर देंगे कितना आ जाएगा 7। अब देखो 3 का मल्टीप्लाई 5 टाइम, 3 5 15, तो 15 का हम 15 तो लिखेंगे नहीं, 15 का क्या लिखा जाएगा 5। कैरी देखो यहाँ पे आ गई 1। अब 3 2 6 और 1 7, ये देखो 4 4 16, कैरी कितनी 1। तो देखो यहाँ पे मैंने कैरी लिख दी। 4 2 8 और 1 कैरी कितनी हो जाएगी 9। ये देखो इसके बाद 5 का मल्टीप्लाई 8 टाइम, 5 8 40, तो हम 40 का 40 तो लिखते नहीं, कितना लिखेंगे 0। कैरी कितनी 4, 5 5 5 और 4 कितना हो जाएगा 4, हम उसमें ऐड कर देंगे 5 4 9। देखो ये हो गया। इसी टाइप से आपको क्वेश्चन करने हैं। फिर देखो 3 का मल्टीप्लाई पहले 3, 5 का मल्टीप्लाई 3 में, फिर 5 5 5 और 1 कैरी। तो देखो ऐसे हमने इसके पहले भी साइन बनाए हुए थे, सेम इसी टाइप की साइन बनाते हुए आपको क्वेश्चन करते जाना है। अब देखो ये थोड़े से टफ है ये क्वेश्चन। ये देखो 3 8 24, हमें पता है हम 24 का 24 तो लिखेंगे नहीं, तो 2 कैरी कहाँ आ गई, ये देखो यहाँ पे कैरी आ गई, तो मैंने यहाँ पे नोट कर दिया। अब फिर 3 का मल्टीप्लाई 5 के साथ, 3 5 15, 15 में 2 ऐड कर देंगे तो कितना हो जाएगा 17, तो हम क्या नोट कर देंगे 17। अगर आपको इस टाइप से टफ लग रहा है तो आप इसको देखो ऐसे भी लिख सकते हो, आप साइड में ऐसे लिख के फिर मल्टीप्लाई करो 4 2 8 देखो, और फिर 6 4 24, इस टाइप से भी आप कर सकते हो। आपको जिसमें भी आपको अच्छा लगे कि आप इजीली कर सकते हो, रॉन्ग नहीं होंगे, आप उस वैसे कर लेना। ओके, तो आपको ये सारे क्या करने हैं, क्वेश्चन सॉल्व करने हैं।